अफसरों को ही पता नहीं, रोक दी ट्रेन। बिलासपुर स्टेशन पर वीवीआईपी कमरा भी बुक। डिवीजन ऑपरेटिंग विभाग की मनमानी आई सामने। बिलासपुर जोनल स्टेशन में नर्मदा एक्सप्रेस को शुक्रवार को बिना वजह 2 घंटे तक रोकने की जांच के आदेश दिए गए हैं। ट्रेन को रोकने की जानकारी डिवीजन ऑपरेटिंग विभाग ने जोन मैकेनिकल विभाग के साथ ही अफसरों को भी नहीं दी गई थी। ऐसे में ऑपरेटिंग विभाग की मनमानी सामने आई है। इधर रेल अफसर के सैलून स्पेशल कोच के नाम से ट्रेन को रोकने की जानकारी सामने आने के बाद नाराज जोन महाप्रबंधक ने डीआरएम से ज्वाइंट रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार को दक्षिण पूर्व रेलवे जोन गार्डन रिच के प्रधान मुख्य मंडल यांत्रिक अभियंता पीसीएमई के सैलून के लिए बिलासपुर में नर्मदा एक्सप्रेस को 2 घंटे तक रोकने को लेकर खबर। एक रेल अफसर के लिए 2 घंटे रुकी यात्री ट्रेन। पीसीएमई की स्पेशल कोच को नर्मदा एक्सप्रेस में जोड़ना था, इसलिए रोकी गाड़ी। यात्री बोले, ये हमारे साथ अन्याय प्रकाशित की थी। सूत्रों के अनुसार जीएम के आदेश पर जोन के अफसरों ने इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई। तब पता चला कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन गार्डन रिच के पीसीएमई प्रकाश कुमार मंडल गुरुवार रात हावड़ा हापा एक्सप्रेस शालीमार से भोपाल जाने के लिए निकले थे। उनके स्पेशल कोच को हावड़ा हापा एक्सप्रेस से अटैच किया गया था। चूंकि यह एक्सप्रेस ट्रेन बिलासपुर से नागपुर रूट की ओर जाती है, लिहाजा पीसीएमई के सैलून को भोपाल तक ले जाने के लिए बिलासपुर में नर्मदा एक्सप्रेस से अटैच करना था। हावड़ा हापा एक्सप्रेस आमतौर पर सुबह 7:40 पर पहुंच जाती है, लेकिन शुक्रवार को यह गाड़ी करीब 6 घंटे देरी से पहुंची। यही वजह है कि डिवीजन ऑपरेटिंग विभाग के अफसरों ने नर्मदा एक्सप्रेस को 2 घंटे के लिए रोक दिया। रेलवे ने बुक किया था कमरा। प्रारंभिक जानकारी में अफसरों को यह भी पता चला कि पीसीएमई के लिए स्टेशन में वीवीआईपी वेटिंग रूम में कमरा भी बुक किया गया था। चूंकि हावड़ा हापा एक्सप्रेस सुबह 7:40 पर बिलासपुर स्टेशन पहुंचने वाली थी और नर्मदा एक्सप्रेस 11:40 पर रवाना होती है, यही वजह है कि उनके विश्राम के लिए कमरा रिजर्व रखा गया था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।